Good morning, dear students. Students, today we will do addition sums and reverse counting. तो सबसे पहले हम करेंगे addition sums. तो addition sums करने से पहले हमें बेटा पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं अपर नंबर, और जो नीचे नंबर दिया गया होता है उसको हम बोलते हैं लोअर नंबर. एंड दिस इज साइन ऑफ द एडिशन. ये क्या होता है? साइन. तो अब हम जहाँ देखेंगे कि अपर नंबर कितना है, अपर नंबर जहाँ पर है 2, और लोअर नंबर कितना है जहाँ पर 1. इसका नेक्स्ट स्टेप बेटा आता है कि कीप अपर नंबर इन योर माइंड. अपर नंबर को हमने माइंड में रखना है. हमने 2 को माइंड में रख लिया. एंड लोअर नंबर ऑन योर फिंगर, इट मीन्स जितना लोअर नंबर है उतनी हमने फिंगर ओपन करनी है. तो जहाँ पर लोअर नंबर 1 है तो हम 1 फिंगर ओपन करेंगे. हमने 1 फिंगर ओपन कर ली. तो नेक्स्ट स्टेप इज अब हम स्टार्ट करेंगे माइंड से, स्टार्ट फ्रॉम माइंड. तो माइंड में हमने कौन सा नंबर रखा था? 2, जो अपर नंबर है. सो 2, और नेक्स्ट नंबर ऑन फिंगर, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा फिंगर पर 3. तो अब कितना टोटल हो गया? 3. तो जहां पर आंसर क्या आएगा? 3. तो जहां पर हम लिखेंगे 3. नाउ नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे. जहां पर भी वही हम प्रोसेस सेम करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे अपर नंबर. दिस इज अपर नंबर. जहां पर अपर नंबर कितना है? 5. एंड दिस इज लोअर नंबर. लोअर नंबर कितना है? 1. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? अपर नंबर, कीप अपर नंबर इन योर माइंड. तो माइंड में हमने कौन सा नंबर रखा? 5. एंड लोअर नंबर ऑन योर फिंगर, इट मीन्स जितना लोअर नंबर है उतनी हमने फिंगर ओपन करनी है. तो हम कितनी फिंगर ओपन करेंगे? 1. सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट फ्रॉम माइंड. माइंड में हमने कौन सा नंबर रखा था? 5. 5. नेक्स्ट नंबर ऑन योर फिंगर, 6. तो जहाँ टोटल कितना हो गया? 6. यहाँ पर हम इनका आंसर लिखेंगे 6. अब हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं. फिर वही हम देखेंगे. सबसे पहले अपर नंबर. अपर नंबर इज 4 एंड लोअर नंबर इज 3. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कीप अपर नंबर इन योर माइंड. तो अपर नंबर 4 है जिसको हमने माइंड में रख लिया. एंड लोअर नंबर ऑन योर फिंगर, तो जितना लोअर नंबर है उतनी हम फिंगर ओपन करेंगे. जहाँ पर लोअर नंबर है 3, तो हम कितनी फिंगर ओपन करेंगे? यस, 3. 1, 2, 3. 3 हमने फिंगर ओपन कर ली. नाउ स्टार्ट फ्रॉम माइंड. माइंड में हमने रखा था अपर नंबर जो क्या है? 4. नेक्स्ट नंबर ऑन योर फिंगर, 5, 6 एंड 7. तो इनका सम क्या हो गया? 7. तो जहां पर आंसर आ गया 7. नेक्स्ट सम अगेन, अपर नंबर इज 3, लोअर नंबर 2. नेक्स्ट स्टेप इज कीप अपर नंबर इन योर माइंड. तो 3 को हमने माइंड में रख लिया लोअर नंबर की. एंड लोअर नंबर ऑन योर फिंगर, तो हम कितनी फिंगर ओपन करेंगे? यस, 2. 1, 2. अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टार्ट फ्रॉम माइंड. माइंड में हमने रखा था 3. 3. नेक्स्ट नंबर ऑन योर फिंगर, 4 एंड 5. तो आंसर क्या आएगा बेटा? 5. नाउ लास्ट सम, यहां पर आप देख सकते हैं अपर नंबर कितना है बेटा? 2. एंड लोअर नंबर भी कितना है? 2. तो वही हम आगे नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे. कीप अपर नंबर इन योर माइंड.
तो माइंड में हमने कौन सा नंबर रखा, 2, एंड लोअर नंबर ऑन योर फिंगर, तो इट मीन्स हम कितनी फिंगर ओपन करेंगे, 2, 1, 2. तो नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट फ्रॉम माइंड, माइंड में हमने 2 रखा, तो 2 से स्टार्ट करते नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर ऑन योर फिंगर 3 एंड 4. तो आंसर क्या आया बच्चे, 4. तो ये थे हमारे एडिशन सम्स. तो स्टूडेंट्स टेक केयर बेटा कि आपने ऐसे ही अपने एडिशन सम्स बड़े ध्यान से समझ के करने हैं. एंड डियर पेरेंट्स आप इस बात का ध्यान रखें कि इनका जो सम है वो 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सिंगल एडिशन सम है और जो नीचे वाला डिजिट है वो 5 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स 5 से ज़्यादा फिंगर ओपन नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट इज रिवर्स काउंटिंग 10 to 1. स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन रिवर्स काउंटिंग सो मैनी टाइम्स, तो ये आपके लिए है, आप इसको कंप्लीट करके अपने क्लास टीचर को सेंड करें. थैंक यू सो मच.